स्प्रिंग रोल द मोस्ट पॉपुलर इंडो चाइनीज स्नैक रेसिपी। आज इसको ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमने चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल बना दिया। ओ माई गॉड, इट्स सो टेस्टी। वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सितापा। चलिए बना लेते हैं चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल। इसके लिए मैंने एक बोनलेस चिकन लिया है और उसमें एक टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और एक एक टीस्पून भुनी कुटी जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, फिर काला नमक, सफ़ेद नमक और चाट मसाला डालना है और एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, दो बड़े चम्मच दही डालना है और सरसों का तेल, रॉ सरसों का तेल डाल देना है। फिर इसमें मैंने तीन तरह के बेल पेपर्स भी डाल दिया और इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला के हमें कम से कम आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। चिकन टिक्का बिना हरी चटनी तो अधूरा है, तो हम जैसे रेगुलर बना लेते हैं वैसे ही बनाते हैं। मुट्ठी भर धनिया डाला, फिर मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था तो मैंने ड्राइड पुदीना डाल दिया, कुछ लहसुन की कलियाँ, स्वादानुसार हरी मिर्च, एक चम्मच दही डाल देना है और फिर नमक, काला नमक और चाट मसाला, ये सब मिला के हमें एक ग्रीन चटनी बना लेना है। अब चिकन टिक्का बनाने के लिए कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें एक टेबलस्पून देसी घी डाल देना है और फिर मैरिनेटेड चिकन और बेल पेपर्स इसके अंदर डाल देना है। फिर सारे चिकन को 3-4 मिनट तक हाई हीट में एक साइड से पका लेना है और फिर 3-4 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा स्टर कर देना है और दूसरे साइड से भी इसको 3-4 मिनट हाई हीट में पका लेना है। दूसरे साइड भी 3-4 मिनट पकाने के बाद हीट को एकदम लो करके लिड लगा के हमें जब तक ना चिकन पूरा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें पका लेना है। तब तक हम स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। स्प्रिंग रोल के लिए 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर डाला मैंने और फिर उसमें 1 पिंच नमक डाल दिया है। इसमें जितना मैदा डालना है उतना ही कॉर्नफ्लावर डालना है। फिर 1 अंडा फेंट के डाल दिया है और पहले 1 कप पानी डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, बिल्कुल लंप फ्री एक बैटर बन जाएगा। पर इतना थिक बैटर हमें नहीं चाहिए तो इसके अंदर हम 1 और कप पानी डालेंगे, पर एक ही बार में नहीं, बारी बारी डाल देंगे। अब हमारा बैटर एकदम रेडी है। आप एक स्पून इसके अंदर डाल के जैसे ही हम उठा रहे हैं तो पूरा स्पून में बैटर लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारा बैटर रेडी है। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल के एक टिश्यू पेपर से उस तेल को बहुत अच्छी तरह से पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे और पैन को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। फिर उसके अंदर एक लैडल भर के हमें बैटर डाल के उसको अच्छे से घुमा के जितना एक्स्ट्रा बैटर है वो हम फिर से हम बोल में ले लेंगे। एक साइड पक जाए तो अपने आप वो साइड छोड़ देता है, फिर हम इसको टर्न करके 1/2 मिनट के लिए इसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। इस तरह से सारे शीट्स हम बना लेंगे और दोनों साइड से सेकने से ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है। अब देख लेते हैं चिकन का क्या हाल है। चिकन में अभी भी काफ़ी पानी है, इतना मॉइस्चर हमें नहीं चाहिए। इस टाइम हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। फिर हाई हीट में हमें चिकन को एकदम ड्राई कर लेना है। अब एक एक करके हमें स्प्रिंग रोल का शीट लेना है और इसके अंदर हमें चिकन का स्टफिंग डाल देना है। फिर हमें अनियन काट के उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा के रखना है, उसको भी ऐड करना है। अब इसको फोल्ड करना है। पहले एक बार फोल्ड कर लेंगे, फिर साइड से दोनों साइड को अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। अब इसको अच्छे से पकड़ के एक टाइट रोल बना लेंगे। अब रोल को सिक्योर करने के लिए एक मैदे का स्लरी बना लिया है। 1 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के
एक ग्लू टाइप बना लेते हैं, उसको एक साइड में लगा के हम इसको एकदम चिपका देंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके से चिपका रहेगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो स्प्रिंग रोल खुल नहीं जाएगा। अब स्प्रिंग रोल को एकदम गरम तेल में हमें फ्राई कर लेना है, और तेल बहुत गरम है इसीलिए बारी बारी इसको टर्न करते जाना है, नहीं तो एक साइड से एकदम जल जाएगा। अगर हम गरम तेल में इसको नहीं फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। बस 2 मिनट तक मुश्किल से फ्राई करना पड़ेगा। हमारा स्प्रिंग रोल रेडी है, इसको बनाइए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।